हेलो भाई, जॉब्स वीक का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार माइक लगा लेता हूँ दोस्तों, एक मिनट दोस्तों। चलिए दोस्तों, अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए, जो भी स्टूडेंट नए अभी नहीं जुड़े हैं दोस्तों फटाफट से जुड़ जाइए। एक बार तब तक मैं पीडीएफ लगा लेता हूँ अपनी स्लाइड के अंदर। दोस्तों पहले क्लास लाइव नहीं हो पाई थी, जिस वजह से मैं नहीं दोस्तों पीडीएफ लगा पाया। उससे पहले दोस्तों जुड़ जाइए। आप एक कमेंट्स नहीं आए दोस्तों, एक बार सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए एक बार। चलो मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम पर, तब तक दोस्तों जुड़ जाइएगा सारे स्टूडेंट्स। मैं इसका लिंक शेयर कर देता हूँ वीडियो का, ठीक है? जुड़ जाइए एक बार तब तक सारे स्टूडेंट्स, जुड़ जाइए सारे स्टूडेंट तब तक। मैं इसका टेलीग्राम पर लिंक शेयर कर देता हूँ, एक मिनट दोस्तों। चैनल, एक चैनल की समस्या आ रही है दोस्तों, चैनल सर्च में नहीं आ रहा है। चलो दोस्तों, चलिए दोस्तों शेयर कर देता हूँ तब तक। फटाफट से तब तक जुड़ जाइए। तब तक जुड़ जाइएगा दोस्तों, एक मिनट। जुड़ जाइए एक बार स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट नहीं जुड़ा दोस्तों फटाफट टेलीग्राम पर। मैं तब तक थंबनेल सारे सेटअप कर देता हूँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पहले नहीं कर पाया था। कमेंट कीजिए दोस्तों फटाफट से, अभी तक कोई भी विद्यार्थी नहीं जुड़ा दोस्तों अभी तक। हाँ कमेंट्स मेरे पास नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन पूजा साहू जी जुड़ चुके हैं। एक मिनट दोस्तों, पूरा रिफ्रेश कर लेता हूँ। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। जितने भी जुड़े हैं दोस्तों, कमेंट्स एक बार शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं दोस्तों, मैं कोशिश करता हूँ। हाँ हेलो पूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा पूजा जी, आपकी आवाज़, सॉरी मेरी आवाज़ आ रही है क्या? एक बार पूजा जी आप कमेंट करके बताना। पूजा जी, पूजा जी कमेंट कीजिए, मेरी प्रॉपर आवाज़ आ रही है क्या? उसके बाद अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। पूजा जी कमेंट नहीं है पूजा जी आपका, क्या दोस्तों चले गए क्या? दोस्तों इस वजह से लाइव नहीं आता हूँ, स्टूडेंट जुड़ते नहीं आते तुरंत। क्या करूँ दोस्तों, क्लास स्टार्ट करूँ या प्रॉपर आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? दोस्तों दूसरा मोबाइल नहीं है मेरे पास अभी। पूजा जी कमेंट से एक बार देखता हूँ, चलो देखते हैं आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए दोस्तों, लाइव तो पूरा वर्किंग है लेकिन अभी स्टूडेंट लाइव नहीं है। स्टूडेंट फटाफट से जुड़ जाइए दोस्तों, एक बार लाइव है सारा। चलो स्टार्ट करते हैं, तब तक जुड़ जाएंगे अगर नहीं जुड़ते दोस्तों। जैसे जुड़े कोई स्टूडेंट कमेंट करना दोस्तों। राजस्थान में आरक्षित वनों का क्षेत्र सर्वाधिक किस जगह पर अधिक है? 5.33, 3.926, 9.16, 40.8, कितने दोस्तों? कमेंट नहीं आते तब आ रही है सर आवाज, वेरी गुड। हमारे पास स्टूडेंट्स आ चुके हैं। कौन है प्रभुदयाल? आवाज आ रही है, क्लियर नहीं आ रही है? क्लियर नहीं आ रही है आवाज प्रभुदयाल जी? अब करना एक बार कमेंट पर। पूजा साहू हेलो सर, आवाज क्लियर नहीं आ रही है।
प्रभु दयाल जी एक बार कमेंट फिर से करना। फिर भी नहीं आ रही है, थोड़ा सा दोस्तों नेटवर्क इशू हो सकता है, इस वजह से आवाज़ नहीं आ रही होगी। कुछ तो आवाज़ आ रही है ना प्रभु दयाल जी, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्लास का टाइम वेस्ट ना हो। प्रभु दयाल जी कमेंट कीजिए, आप ये स्टूडेंट लाइव हो अभी। कुछ तो आवाज़ आ रही है ना, हेलो, फिर चले गए। ये बात नहीं है दोस्तों, स्टूडेंट आते हो वो लाइव रहा करो। चलिए जो आते हैं आने दीजिए, आवाज़ जैसे आएगी दोस्तों देखते हैं। आज लाइव, आज दिन में लाइव क्या था, अभी लाइव एक बार और करते हैं दोस्तों, देखते हैं नहीं आएगी तो इसका राइट आंसर 3.9626 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजस्थान में प्रवेश, हाँ सर सुनाई दे रहा है, वेरी गुड। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति का क्षेत्र है, आप आंसर दीजिए दोस्तों अभी कमेंट में, अभी आंसर दीजिए दोस्तों कमेंट में, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, आंसर दीजिए अभी फटाफट। भूमध्य सागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, चीन सागर। प्रभु दयाल जी बी कौन सा इसका राइट आंसर, भूमध्य सागर है इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है प्रभु दयाल जी, ऑप्शन नंबर ए है भूमध्य सागर इसका राइट आंसर। ठीक है चलिए, राजस्थान विधानसभा, प्रभु दयाल जी वेरी गुड। राजस्थान विधानसभा का विघटन कौन कर सकता है, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री परिषद, राज्यपाल, राष्ट्रपति, कौन कर सकता है दोस्तों, फटाफट से आंसर आने दीजिए। जैसी भी, ऑप्शन नंबर ए प्रभु दयाल जी वेरी गुड, आपका आंसर फिर भी गलत है, राज्यपाल है। याद करना दोस्तों, कोई नहीं, आंसर गलत हो या सही हो इसका कोई नहीं है, लेकिन आंसर आप दे रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लाइव जुड़े रहना लास्ट तक। ठीक है, इसका राइट आंसर राज्यपाल है प्रभु दयाल जी, मैं आपका नाम लेकर बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, लाइव जुड़े रहोगा ना लास्ट तक, ये मेरे से वादा करो आप प्रभु दयाल जी। चलो, कलात्मक बादल महल स्थित है, जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़, अंचलगढ़ दुर्ग, आबू नागौर दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग, कहाँ पर स्थित है कलात्मक बादल महल। चलो कोई नहीं, सी प्रभु दयाल जी एकदम लाइव पर आप क्लिक कर लो ताकि आप लाइव में आंसर दे सको। इसका राइट आंसर आपका है वह है नागौर दुर्ग, ऑप्शन नंबर सी, प्रभु दयाल जी ने राइट आंसर दिया था नागौर दुर्ग। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ आपको पूर्णतः दिखाई दे। राजस्थान भाषा में रचित रामायण के रचयिता कन्हैयालाल सेठिया राजेश्वर, संत हनुमत महाकवि श्यामलदास, सॉरी, ये किल्लर मैक्स कौन है, इसका बी आंसर है। अपना नाम पूरा रख लिया करो, किल्लर मैक्स का बी है, किसान किस में बी पता नहीं, लेकिन आंसर आने दीजिए फटाफट से। दोस्त 20 लाइव है क्या, बताइए मुझे, मुझे दोस्तों में मुझे दिखाई नहीं दे रहे कितने स्टूडेंट लाइव है अभी। इसका राइट आंसर आपका है संत हनुमत किंकर, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी सी, संत हनुमत किंकर। प्रभु दयाल जी वेरी गुड आंसर, थोड़ा सा ध्यान करके दिया, आप कौन सी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ये मुझे पता नहीं चल रहा है। राजस्थान में इस्लाम धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, कोटा, अजमेर, उदयपुर, बांसवाड़ा। जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं ना, वो थोड़ा सा नाम लिख दिया करो कि वो आंसर है, ताकि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नहीं लगे हैं, इस वजह से थोड़े से एडजस्ट नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन दिखाई जा रहा है ना, इसका राइट आंसर कौन सा है। राजस्थान में इस्लाम धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है,
अब इसका अगर कोई आंसर है ना, उस पर आप नाम थोड़ा सा नाम लिख दिया करो ताकि मुझे पता चल जाए कि वो आंसर है इसका, इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो, ठीक है? पर वो जल्दी आने दीजिए, मैं मस्ती से तब तक आपके क्वेश्चन आएंगे ना, तब तक मैं सारे स्टूडेंट के कमेंट आने के बाद ही क्वेश्चन आंसर दिखाऊंगा। राजस्थान में इस्लाम धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है, कौन सा रहा है? फटाफट से कमेंट कीजिए। किलर मैक्स कह रहे हैं वी, देखते हैं। अजमेर, ठीक है अजमेर बोल रहे हैं। प्रभुदयाल जी नहीं आए का आंसर, उनका थोड़ा सा वेट कर लेते हैं अगर आंसर आता है तो। चलिए अजमेर कह रहे हैं बहुत बहुत बढ़िया। केलर मैक्स जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? श्रेणी ए श्रेणी, बे श्रेणी, स श्रेणी या इनमें से कोई नहीं? आने दीजिए आंसर। किलर मैक्स जी बहुत बहुत बढ़िया, आप लाइव जुड़ रहे हो, फटाफट से आंसर देते रहिए, फटाफट से आंसर। प्रभुदयाल जी नहीं है यहाँ पर, मुझे पता नहीं चल रहा है कौन कौन स्टूडेंट लाइव है दोस्तों, कितने स्टूडेंट लाइव है। अगर इतना पता चलता ना मैं फटाफट करवा देता दोस्तों। ये कैसे क्वेश्चन है प्रभुदयाल जी, क्या बात है, ये कैसे क्वेश्चन है प्रभुदयाल जी, ये क्या कह रहे हो आप? समझ तक आप क्वेश्चन के लिए हम सही कह रहे हैं दोस्तों, आपकी एग्जाम से रिलेटेड ही क्वेश्चन है सारे, ठीक है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बह श्रेणी का जो राज्य था। सर आप इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन, चलो किलर मैक्स जी आपका बहुत बढ़िया सजेशन है, इंग्लिश मीडियम दोस्तों, इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन में दोस्तों टाइप नहीं कर पाता हूँ मैं, खुद टाइप करता हूँ इस वजह से, लेकिन कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट टाइम इंग्लिश मीडियम के सुनाए, ठीक है? चलिए राजस्थान में जनसंख्या घनत्व कम होने का मुख्य कारण, कम होने का मुख्य कारण दोस्तों टाइपिंग में फिर भी मिस्टेक है, सिंचाई के साधनों की कमी, उद्योग धंधों में कमी, प्रदेश के लोगों को बाहर चले जाना, थार का रेगिस्तान एवं मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश। अच्छा सर माई नेम पर मिला, अच्छा वेरी गुड पर मिला जी, चलो आप नाम से लिख लिया करो आप प्रभुदयाल जी, वैसे नाम यहाँ पर यही आ रहा था, आप नाम चेंज कर लेना ठीक है परमिला जी। इसका आंसर देखो मिला जी, आप सारे क्वेश्चन वह हैं जो एग्जाम में आते हैं, और कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे बता सकता है कितने स्टूडेंट लाइव है अभी, कितने स्टूडेंट लाइव है अभी मुझे बता सकते हो क्या कोई भी स्टूडेंट? चलो किलर मैक्स जी कह रहे हैं, परमिला जी कह रहे हैं प्रदेश के लोगों का बाहर चले जाना, नहीं है दोस्तों ये आंसर, इसका राइट आंसर है थार का रेगिस्तान मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश, जो आपका ऑप्शन नंबर डी है ना वो राइट है, थार का रेगिस्तान है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक अच्छी सुविधा नहीं है जो अन्य राज्यों के अंदर है, वो सुविधा नहीं है इसके कारण। ओनली टू स्टूडेंट लाइव है क्या? चलो कोई नहीं दोस्तों, दो स्टूडेंट लाइव है, आप तो रहना दोस्तों एंड तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 3 अप्रैल 2011 को विश्व के प्रथम होम्योपैथी विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया था? उदयपुर, कोटा, जयपुर, अजमेर, कहाँ पर किया था उद्घाटन? परमिला जी, किलर मैक्स जी आंसर आने दीजिए, दो स्टूडेंट लाइव है कोई बात नहीं, आप लाइव रहना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं नहीं, आपने परमिला जी आपने पहले क्या आंसर कमेंट किया था मुझे दिखाई नहीं दिया, बी कोटा, वेरी गुड आप दोनों के राइट आंसर है। चलिए जो किलर या मैक्स इसका नाम है, ये आपका पूरा नाम क्या है बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, जो भी किलर मैक्स के नाम से है ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताना नाम क्या है आपका पूरा नाम, ताकि वो आप नाम चेंज कर सको, ठीक है? राजस्थान, कोई बात नहीं सर, कल
मेंबर ऐड करेंगे। चलो कोई बात नहीं प्रभु, सॉरी प्रमिला जी, आपका नाम प्रभुदास जी यहाँ पर आ रहा है, चलो कोई नहीं। राजस्थान में हीरे के भंडार किन स्थानों पर स्थित है? तनोट, मनहर, टीबा, जैसलमेर, चालीपा, कोसूलू। आप किसकी तैयारी करा रहे हो? किलर मैक्स की, पीटीटी की और बीएसटीसी की? केसरपुर, मानपुरा, चित्तौड़गढ़, रायपुर, खेड़ा, छतर, उदयपुर। राजस्थान के हीरे के भंडार किन स्थानों पर स्थित है? आने दीजिए आप आंसर, ठीक है। किलर मैक्स जी, आपने पूरा नाम नहीं बताया आपका। आप अपना पूरा नाम बताइए। जो आपका नाम है ना वो रखा करो दोस्तों, ताकि बोलने में। मेरा नाम भावना है। चलो बढ़िया है, आप कल से भावना जी, अपना नाम सही है भावना जी, आपका नाम कल यही आप अपडेट कर लेना, ठीक है। प्रमिला जी का राइट आंसर है डी, ठीक है। रायपुर, खेड़ा, क्षेत्र, उदयपुर। और भावना जी का आंसर नहीं आया अभी तक, लेकिन इसका राइट आंसर है केसरपुर, मानपुरा, चित्तौड़गढ़। नोट कर लेना, केसरपुर, मानपुरा, चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी राइट है, ठीक है। कोई नहीं दोस्तों, आप आंसर दे रहे हो, बहुत बढ़िया है आपका। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील? नक्की झील, उदय सागर, सिलिसेट, पुष्कर झील। पर मेला जी पूछ रहे हैं आप कहाँ से? मैं तो बीकानेर से हूँ, अभी बीकानेर से लाइव हूँ, ठीक है। आप कहाँ से हो बताना, इसका राइट आंसर बताओ दोस्तों फटाफट से दोस्तों, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है दोस्तों। पाली, मैं बीकानेर से हूँ भावना जी, बता दिया आपको, ठीक है। इसका राइट आंसर आने दीजिए। राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील है? नक्की झील, उदय सागर, सिलिसेट, पुष्कर झील। ए भावना जी, परमिला जी कह रहे हैं हम सीकर से हैं, बढ़िया है सीकर से। अभी जो आरती जी है वो नहीं जुड़े हमारे साथ, चलो। प्रभुदेव, सॉरी प्रमिला जी, नाम आ रहा है प्रभुदेव जी सामने, ए आंसर आ रहा है नक्की झील है दोस्तों, इसका राइट आंसर नक्की झील, ए ऑप्शन राइट था आपका सभी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में फैला थार मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है? 2,42,568 वर्ग किलोमीटर, 2,01,250 किलोमीटर, 2,61,000। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है आपका? चलो बताता हूँ, 2,61,500 वर्ग किलोमीटर, 2,09,100 किलोमीटर। जो भावना जी पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं आपका सब्जेक्ट कौन सा बेस्ट है? मेरा राजस्थान जीके, जीके के अंदर पूर्णतः मेरा एकदम बेस्ट सब्जेक्ट राजस्थान जीके और इंडिया जीके, मेरा सही है। हाँ आपका सही है, आपका सही है परमिला जी, आप इसका आंसर आने दीजिए। और वैसे मेरी रीजनिंग भी मेरी बेस्ट है, लेकिन मैं आपके बीएसटीसी और पीटीटी के लिए मैं पूर्णतः आपकी तैयारी राजस्थान जीके की करवाने वाला हूँ, और इंडिया जीके की रीजनिंग की कुछ क्लास लूंगा। परमिला जी का राइट आंसर आ चुका है ए, वेरी गुड। आपका आंसर गलत है, 2,09,000 वर्ग किलोमीटर है इसका राइट आंसर, नोट कर लीजिए, 2,09,100 वर्ग किलोमीटर। आप किसकी तैयारी कर रहे हो सर? प्रभुदयाल जी, हाँ परमिला जी, चलो इसका आंसर देता हूँ मैं अभी, थोड़ा सी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद बताऊंगा आपको किसकी तैयारी कर रहे हैं। राजस्थान की प्राचीन हवेलियों एवं किलों में संरक्षित समृद्ध संस्कृति धरोहर से पर्यटकों को परिचित कराने एवं उन्हें आवास सुविधा हेतु प्रारंभ की गई योजना, बताइए फटाफट से। अब बताता हूँ परमिला जी मैं किसकी तैयारी कर रहा हूँ, मैं अब गवर्नमेंट टीचर हूँ वैसे तो, और अभी मैं कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहा हूँ साथ में, आप वो बता दूँ दोस्तों, ठीक है। सर कल से इंग्लिश में, भावना जी कह रहे हैं कल इंग्लिश में लेकर आना प्लीज़। भावना जी अब देखो क्या करूँ, मैं खुद टाइप करता हूँ हिंदी में, इंग्लिश
थोड़ी सी कठिन होती है टाइप करने में, लेकिन देखता हूँ आपके लिए पूरी कोशिश करूँगा इंग्लिश में टाइप करने की। इसका राइट आंसर आने दीजिए फटाफट से। इसका फटाफट 2 स्टूडेंट लाइव हो क्या आप? सर आप टेलीग्राम पर ग्रुप बना, परमिला जी आप टेलीग्राम पर है ना ग्रुप, या वैसे चैट करने के लिए ग्रुप बनाना है? चैट करने के लिए ग्रुप बनाना है तो बता दीजिएगा, बना दूंगा, उसमें कोई बात नहीं है। आप जो कुछ ट्यूशन सोल्यूशन करवाना है उस प्रकार का बनाना है, या टेलीग्राम ग्रुप किस लिए बनाना है आप बताइए मुझे, और इसका आंसर बताइए मुझे। मेरा सब साइंस बायो है। परमिला जी बहुत बढ़िया, आपका साइंस बायो है बहुत बढ़िया, साइंस बायो आप सी आंसर आ रहे हैं ना। हेरिटेज होटल योजना, वेरी गुड परमिला जी, आपका राइट आंसर है हेरिटेज होटल योजना। मैं आपके आंसर आने के बाद ही आगे चलूँगा। राजस्थान, अच्छा मेरा भी साइंस बायो है, वेरी गुड, यहाँ पर तो साइंस बायो वाले स्टूडेंट हैं। राजस्थान में निर्बंध राशि 35 वर्ष प्रारंभ की गई 1978 से 1981 से 82, 1985 से 86, 1988 से 89। यस सर चैट के लिए, चलो चैट के लिए बना दूंगा, आप टेलीग्राम पर हो। मेरा राइट है, वेरी गुड, आपका राइट है पर मिला जाए, आपका राइट है ये आंसर आने दीजिए। और आप कह रहे हो ना चैट के लिए, मैं चैट के लिए बना दूंगा, कल शाम तक बना दूंगा, ठीक है, और हो सकता है दोस्तों आज शाम तक ही बना दूँ, टाइम मिलेगा तो। दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा है? राजस्थान में निर्बंध राशि 21 वर्ष की गई थी, ए, भावना जी का आंसर ए आ रहा है। चलो देखते हैं परमिला जी का जो आंसर नहीं आया अभी तक, लेकिन चलो देखते हैं, परमिला जी का डी आ रहा है 1988 से 89। वेरी गुड परमिला जी, आपका बहुत बढ़िया आंसर है, और भावना जी आपका आंसर ए था, आप चेक कर लीजिएगा। अगर आपका आंसर गलत होता है उसकी चिंता मत किया करो, आप उसको याद कर लिया करो, ये मेरा आंसर गलत हो गई, जो गलत होता है वो आपको याद बहुत आसानी से होता है, याद रखना हमेशा। राज्य का प्रथम सुपर ताप विद्युत ताप गृह है? कोटा थर्मल पावर स्टेशन, एटॉमिक पावर स्टेशन, राउतभाटा सूतगढ़ ताप विद्युत गृह, अंता विद्युत गृह, कौन सा है दोस्तों? फटाफट से कमेंट कीजिए। और स्टूडेंट लाइव नहीं आए, दिन में दोस्तों लाइव किया था, 8-9 स्टूडेंट लाइव आ चुके थे, अभी लाइव नहीं आए, चलो नहीं आए दोस्तों, जितने हो दोस्तों इतने स्टूडेंट बढ़िया है, जैसे स्टूडेंट लाइव रहेंगे ना तब तक मैं लाइव चलाऊंगा, उसके बाद समाप्त कर दूंगा दोस्तों, ध्यान रखना। बी आ रहा है भावना जी का, और परमिला जी का आ रहा है सी, और इसका राइट आंसर आपका होगा सूरतगढ़ ताप विद्युत गृह। परमिला जी आपका बहुत बढ़िया आंसर सही है, ठीक है, नोट कर लेना। थोड़ा सा जूम और कर लेते हैं, आपको पूरा दिखाई दे। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र किस ताप पर कटिबंध है? सर साइंस वालों का जी के नहीं आता है, उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। परमिला जी मेरे पास कॉमर्स सब्जेक्ट था, मेरा भी जीके बढ़िया है, आप ऐसा मत सोचा करो कि मेरे पास साइंस है इस वजह से मेरा जीके सब्जेक्ट बढ़िया नहीं होगा, अगर आप मेहनत करोगे ना तो सब कुछ बढ़िया होगा। अगर आपको पीटीटी केवल क्वालिफाई करना है, पीटीटी या बीएसटीसी, मेरी सुबह ये क्लास आज तो सर दोस्तों लाइव है, लेकिन दोस्तों सोमवार से अपनी क्लास सुबह 8 बजे से राजस्थान जीके की एकदम शानदार क्लास हो जाएगी, उस क्लास को देख लेना, फिर देखते हैं आपको जीके नहीं स्ट्रॉन्ग होता है। मैं कहता हूँ राजस्थान जीके और इंडिया जीके एग्जाम के अंदर मेरे जो मैं करवाऊंगा उनमें से आएगा दोस्तों, 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन एग्जाम होगा ना उस दिन बताऊंगा दोस्तों आपको, जो स्टूडेंट लाइव रहेंगे ना हमेशा। अभी स्टार्ट नहीं किया है ना, क्या स्टार्ट नहीं किया है परमिला जी? भी बता रहे क्या सर? नहीं सर, प्रभुदाल जी कमेंट्स ग्रहदर्श नहीं हो रहे हैं इस वजह से,
चलो कोई नहीं, इसका उपोषण कटिबंध है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ना ऑप्शन। हाँ, राजस्थान के उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? फर्मिला जी, जीके आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आप सोमवार से जो सुबह क्लास 8 बजे स्टार्ट होगी ना, उसको रेगुलर जब तक एग्जाम नहीं होगा ना तब तक आप देखना, कैलाश नाथ बंचू, श्री कमलकांत वर्मा, श्री एस आनंद, श्री बीपी बेरी। भावना जी कहाँ पे चले गए, आपका आंसर नहीं आ रहा है। बी आ गया आंसर, क्या बात है, चलो बी आ रहे हैं भावना जी का और प्रमिला जी का आंसर आने दो पहले। प्रमिला सीख कह रहे हैं, चलो देखते हैं। श्री कमलकांत वर्मा इसका राइट आंसर है बी, जो भावना जी ने आंसर दिया। प्रमिला जी आप नोट कर लेना, श्री कमलकांत वर्मा जो भारत के हाई सॉरी राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, और तब तक मैं पूछता हूँ, एक प्रश्न पूछता हूँ, राजस्थान के अंदर उच्च न्यायालय जो हाई कोर्ट है वो किस जिले के अंदर स्थित है या कहाँ पर स्थित है, बताइए बताइए फटाफट से कमेंट में आने दीजिए, धीरे धीरे मत कमेंट कीजिए, जो जहाँ से क्वेश्चन बोलूँ ना उसके बाद आपका आंसर आना चाहिए दोस्तों। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने हैं कागज का चित्रण, सॉरी कागज का चित्रण, कपड़े पर चित्रण, लकड़ी का पर चित्रण, हाथी, सर टेलीग्राम जोधपुर। आरती जी हमने क्या कमेंट किया था मुझे, अजमेर। परमिला जी अजमेर के अंदर नहीं है, जोधपुर के अंदर है हाई कोर्ट। वो परमिला जी आपने पहले क्या कमेंट किया था हमें दिखाई नहीं दिया, एक बार कमेंट एक दो कमेंट साथ ही मजा देना। हाँ चलो बढ़िया, जोधपुर आ रहा है, इसका आंसर आने दीजिए। अब देखते हैं आज कितने स्टूडेंट लाइव रहते हैं जब तक मैं क्लास एंड करूं तब तक। बी कपड़े का चित्रण परमिला जी का आंसर, वो भावना जी का आंसर नहीं है अभी तक। परमिला जी जोधपुर राइट आंसर है आपका, और भावना जी आपका भी जोधपुर। चलो कागज पर चित्रण है वो है राजस्थान लोक चित्र शैली। ठीक है, भावना जी का आंसर आया है ऊपर, मेरा जी का आंसर दोनों का राइट है। ठीक है बी। राजस्थान में वर्ष 2008 को गठित प्रथम ज्ञान आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? एम एम मेहता, आर एन गोस्वामी, सी के रेड्डी, डी के रेड्डी, बताइए फटाफट से। और परमिला जी और भावना जी से आपसे रिक्वेस्ट है, एक आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे ना, अगर आप 50 स्टूडेंट को कल शाम तक जोड़ दो ना दोस्तों, 50 स्टूडेंट को सब्सक्राइब करवा दो ना चैनल, तो आपकी पूर्णतः कमेंट पूर्णतः लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। मुझे पूर्णतः आपके कमेंट सारे कमेंट दिखाई देंगे, इतनी सुविधा करवा सकता हूँ अगर आप दोनों आप मिलकर 25-25 स्टूडेंट को जोड़ दो। देखते हैं कितने स्टूडेंट को जोड़ते हैं कल शाम तक, फिर आपकी पूर्णतः आपके कमेंट स्क्रीन पर आएंगे, फिर एक अलग मज़ा आएगा पढ़ाने का। आंसर नहीं आ रहा है, क्या डिस्कनेक्ट हो चुका है या क्या हुआ? डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है, आंसर नहीं आ रहे हैं। एक बार चेयर टॉप करके ऑन करता हूँ। सर आप टेलीग्राम पर ग्रुप बनाओ और जितने स्टूडेंट है लाइव, चलो बना दूंगा उसका आंसर, लेकिन इसका आंसर आने दीजिए आप। ए एम एल मेहता, ठीक है एम एल मेहता आपका परमिला जी राइट आंसर है। ठीक है, परमिला जी ने हाँ कहा है कि मैं हम करेंगे। ठीक है, आप दोनों मिलकर आप 25-25 स्टूडेंट को जोड़ना, देखते हैं कल करवा देते हो क्या ये काम। राज्य का दूसरा तिरकाल चौबीसी मंदिर स्थित है
बूंदी, जयपुर, कोटा, उदयपुर। आज दो स्टूडेंट लाइव कैसे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। कई बार तो स्टूडेंट 8-9 स्टूडेंट लाइव आ जाते हैं। आज सिर्फ दो स्टूडेंट, टेलीग्राम पर भी भेजती है लेकिन देखते हैं। सही है आपका प्रभु दयाल जी, परमिला जी, नाम प्रभु दयाल जी आ रहा है इसलिए। आप परमिला जी, आप कल अपना सही रियल नाम है ना वो डाल देना, यहाँ पर चेंज कर लेना, ठीक है। आंसर आने दीजिए इसका। आंसर नहीं आया, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर है कोटा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राजस्थान का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया है, महाराज राम सिंह द्वितीय। वेरी गुड भावना जी, महाराज मान सिंह द्वितीय, जय नारायण व्यास, वल्लभ भाई पटेल। आपको कमेंट करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है ये बताइए मुझे। आने दीजिए आपके राइट आंसर। और ये बताइए मुझे कि ये क्लास 10-15 मिनट और चलने दे क्या, ये बताइए। आपके पास अगर टाइमिंग है तो 10-15 मिनट और चलने देते हैं दोस्तों, या अभी क्लास को समाप्त करें। परमिला जी आप कह रहे हो कि फॉर्म, अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया ना तो दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। मानसिक 2, ठीक है आपका राइट। देखते हैं आपका कौन सा आंसर है। परमिला जी कह रहे हैं मैंने अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया ना, अब दोबारा भरने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है आपको। दोबारा जो रह गए ना उनको भरना है, ठीक है। आप कह रहे हो सी, जय नारायण व्यास। चलो देखते हैं, महाराजा मान सिंह द्वितीय। परमिला जी का आपका आंसर गलत है और भावना जी आपका सही है। और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप 10-15 मिनट आगे तैयार हो क्या, या यहीं पर रोक दे क्लास। कमेंट करें फटाफट से। फटाफट से कमेंट करें, उसके बाद मैं देखता हूँ। सर अपनी मर्जी से क्वेश्चन पूछ, मैं अपनी मर्जी से कैसे पूछ रहा हूँ, हाँ बताइए मुझे। क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। भावना जी आप क्या कह रहे हो। हाँ सर तैयार हैं, चलो तैयार हो तो चलने देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट जाने दीजिए। अब आंसर, राज्य का पहला ऐसा गांव जहाँ टेली मेडिसिन सेंटर खोला गया। कैथून, चलने दो क्लास, वेरी गुड। कैथून, कोटा, तालेडा, बूंदी, मांगरोल, बारो, तालचापर, चूरू। नॉलेज होगा, बढ़िया नॉलेज होगा दोस्तों। आज मेरे पास टाइमिंग है आज शाम को, इसलिए मैं क्लास ले रहा हूँ। अरे ऐसे नहीं सर, चलो कोई बात नहीं, आप कह रहे हो ना अपनी मर्जी से क्वेश्चन वैसे, चलो कोई नहीं, इसका आंसर आने दीजिए आप। कोई नहीं, जो बहुत कमेंट कर दिया कर दिया, कोई नहीं। ए भावना जी, ए आ रहा है आपका आंसर, बहुत बढ़िया आपका ए आंसर। पर मिल जी का ए, केथुन कोटा के अंदर खोला गया था सर्वप्रथम, ठीक है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम प्रारूप कौन अनुमोदित करता है, राष्ट्रपति, योजना आयोग, मंत्रिमंडल, राष्ट्रीय विकास परिषद, कौन जारी करता है। तब तक तो दोस्तों मैं पानी पी लेता हूँ, आप बताइएगा आंसर राइट कौन सा है फटाफट से। दोस्तों एक मिनट थोड़ी सी, हाँ आपका राइट है परमिला जी। अब तो सर बुरा मान गए, नहीं नहीं कोई बुरा नहीं माने बेटा, ऐसे कैसे नहीं, मैंने आपको क्या बोला, मैंने कुछ बुरा नहीं बोला, आपको बुरा नहीं माने दोस्तों। मैं आपकी बात जो समझ नहीं पाया क्या बात बोल रहे थे, ठीक है कोई नहीं। प्रभु दयाल जी कह रहे हैं ए परमिला जी, सॉरी।
चलिए, पंचवर्षीय योजना को अनुमति कौन देता है? राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, वो अनुमति देता है। ध्यान से नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी है वो। भावना जी, ऐसी कोई बुरा नहीं माना मैं आपकी बात का, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो क्वेश्चन देखो आप, आंसर आने दीजिए, कोई नहीं। नेग्रोज पर चलने वाली एकमात्र रेलवे जिसका निर्माण धौलपुर रियासत ने करवाया था। प्रमिला जी कह रहे हैं कोई बात नहीं भावना, धौलपुर आगरा, राजखेड़ा धौलपुर, भरतपुर धौलपुर, शर्मधारा धौलपुर, बड़ी ताजपुर। कौन सा आंसर रॉन्ग कह रहे हो आप प्रभुदयाल जी, प्रमिला जी सॉरी, आप कौन सा आंसर का कह रहे हो रॉन्ग? ये राष्ट्रीय विकास परिषद, ये कह रहे हो क्या आप? एक बार मुझे बताना, अगर ये कह रहे हो मैं चेक करके बता दूंगा। ये आंसर कह रहे हो क्या मुझे बताना, अगर कह रहे हो तो मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है? चलो प्रमिला जी, आप कह रहे हो ये आंसर गलत है, मुझे तो यही लग रहा है, लेकिन अगर गलत है तो मैं चेक करके बता दूंगा आपको, टेलीग्राम पर मैसेज कर दूंगा, ठीक है? आपका प्रमिला जी, आप टेलीग्राम पर जुड़े हुए, आप मैसेज किया था ना, वही है ना? अगर आप टेलीग्राम पर जुड़े हो तो मैं आपको मैसेज कर दूंगा पर्सनल, ठीक है? अगर इसका आंसर कौन सा है, मैं स्क्रीन शॉट ले लेता हूँ एक बार, ठीक है? चलो मैं चेक करके बता दूंगा, ठीक है? इसका भरतपुर और धौलपुर राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। मेरा रॉन्ग हो गया, चलो कोई नहीं, आपका रॉन्ग हो गया तो कोई नहीं। चलो मैंने सोचा मैंने गलत बता दिया, मुझे तो ये लग रहा था। ये दिखाइए आप, राजस्थान के किसानों के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा शुरू की गई योजना, फूड स्टैम्प्स योजना, सूखा सुरक्षा कवच योजना, कैफ्री कार्ड योजना, उपयुक्त में से कोई नहीं। भावना जी आप कहाँ पे चले गए, आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं मेरे पास, आज एंड तक रहेंगे ना, तब देखूंगा कौन कौन स्टूडेंट एंड तक दोनों रहते हैं या नहीं रहते हैं। आप दो स्टूडेंट और, लेकिन देखते हैं आपके अंदर ताकत है क्या एंड तक रहने की। दोस्तों फर्स्ट टाइम लाइव क्लास ले रहा हूँ, 37 मिनट की क्लास हो चुकी है। भावना जी आपका कमेंट नहीं आ रहा है, आने दीजिए कमेंट। दोस्तों यहाँ पर एक इस तरह से पढ़ा रहा हूँ मस्ती से, कोई जल्दबाजी नहीं है। आपके आंसर आने के बाद ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। शायद स्टूडेंट चले गए हैं या कमेंट नहीं आ रहे हैं। चलो है यहाँ पे सी आपका आ रहा है ना आंसर, सही है। चलो कैफ्री कार्ड नहीं आपका योजना गलत है, सूखा सुरक्षा योजना है, जो सूखा सुरक्षा कवच योजना है वो आपका राइट आंसर। परमिला जी, परमिला जी कमेंट करना कि एक आप ही हो या भावना जी, स्टूडेंट यहाँ पर लाइव है, कितने स्टूडेंट लाइव है अभी? परमिला जी आप कमेंट करना कि आप स्टूडेंट कितने लाइव है अभी, एक स्टूडेंट लाइव है क्या या दो? चार है, कमेंट क्यों नहीं आ रहे? जो भी स्टूडेंट अभी लाइव, चार स्टूडेंट देख रहे हैं वो कमेंट कीजिए फटाफट से। यहाँ पर परमिला जी स्टूडेंट और भावना जी यहाँ से शुरू से लेकर देख रहे हैं, क्या पता। चलो क्वेश्चन देखते हैं, चार लाइव हैं, कोई नहीं। परमिला जी जो कमेंट करते हैं वो बढ़िया, आप कमेंट करो, आप कमेंट करते रहना, ठीक है? राजस्थान के प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी जून 1970, मार्च 1978, मार्च 1970, अक्टूबर 1970, अभी 3 है। आई चलिए, भावना जी आ चुकी हैं ना, चलो बढ़िया आ चुके हैं। चलिए कमेंट कीजिए इसका आंसर कौन सा राइट है, सी। भावना जी कह रहे हैं सी आंसर राइट है।
आप सभी के सी आंसर आए हैं प्रमिला जी का, जो 1977 के अंदर। वेरी गुड, आपके आंसर गलत हैं सारों के, 1977 के अंदर बनी थी। अब दो है, चलो कोई बात नहीं प्रमिला जी, दो है तो बढ़िया, जितने स्टूडेंट लाइव में बढ़िया, आप लाइव रहना ठीक है। इसका आंसर 1977 है, जून के अंदर। राजस्थान में राज्य सूचना आयोग का गठन किस तिथि को किया गया? 1 जनवरी 2006, 10 मार्च 2006, 13 अप्रैल 2006, 15 दिसंबर 2006, कब किया गया था? कब किया गया था बताइए। साब दीजिए आंसर। बी, भावना जी का आंसर आ रहा है बी। चलो दोस्तों, आज 6:40 हो गए हैं ना, दोनों के भी आंसर आ रहे हैं। 10 मार्च 2006, 13 अप्रैल 2006 को किया गया था, नोट कर लेना, या तारीख का डिफरेंस है वो ध्यान से रखना, 13 अप्रैल 2006 को किया गया था इसका राइट आंसर, ठीक है, जो राज्य सूचना आयोग का गठन है। राजस्थान के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों का चयन कहाँ होता है? ग्राम सभा में, पंचायत में, पंचायत समिति में, जिला परिषद में? परमिला जी कह रहे हैं मेरे साथ, मेरी बहन भी देख रही है। कोई नहीं, देख रहे हो आप, वैसे 3 स्टूडेंट लाइव हो वैसे तो ना, दो देख रहे हो आप, बढ़िया है। हाँ ग्रुप बनाऊंगा, आपकी बात नहीं टालूंगा परमिला जी, आपकी बात आपने खे दिया, ग्रुप बन जाएगा, हो सकता है आज शाम को ही बना दो टाइम मिलेगा तो। और आपकी बहन का नाम क्या है परमिला जी बताना? ग्राम सभा में, ठीक है आपका, देखते हैं आंसर कौन सा है। ग्राम सभा आपका राइट आंसर है, बढ़िया है। ये क्वेश्चन कौन करता है राइट? भावना जी और मेरे से दोनों का राइट आंसर है। ये क्वेश्चन कौन करता है देखते हैं, सुमिलित कीजिए। मेवाड़ का अमरनाथ, मेवाड़ का हरिद्वार, मेवाड़ का अयोध्या, हनुमान मंदिर, ये सब कुछ देखना थोड़ा सा, अब देख लीजिए पूरा दिखाई दे रहा है साहब। इसका आंसर देख लेते, दोनों के आंसर आने के बाद ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन निकालूंगा। कविता, चलो बढ़िया। आप साथ में नोट्स बना रहे हो क्या? साथ में नोट्स बना रहे हो? अगर नोट्स नहीं बना रहे हो इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा, कोई नहीं, नोट्स बनाते चलना, या आप इस क्लास को अभी एक बार देख ली, उसके बाद एक बार और देखना आपको, और इसकी पीडीएफ डाल दूंगा, फिर आप दोनों पढ़ोगे ना तो एक अच्छा अलग सा महसूस होगा। इसका आंसर आने दीजिए। हाँ परमिला जी, आपका पिछला आंसर सही है। चलो नोट्स बना रहे हैं, भावना जी कह रहे हैं नोट्स बना रहे हैं, चलो बढ़िया है, नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाओगे तभी कुछ होगा। अगर आप सीधे क्वेश्चन देख रहे हो तो आपकी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मैं आराम से लाइव में दोस्तों आराम से नोट कर लिया करो, मैं आराम टाइम दे रहा हूँ। अगर यहाँ नोट नहीं कर पाते हो ना तो फिर पीडीएफ से नोट कर लेना, वहाँ पर आंसर के साथ पीडीएफ मिल जाएगी। इसका आंसर आने दीजिए। 57 क्वेश्चन हो चुके हैं, 57 क्वेश्चन अभी तक। आंसर नहीं आया किसी का भी, आने दीजिए। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, कोई नहीं परमिला जी, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ दे दूंगा, जो अपना टेलीग्राम है लिंक, आप जुड़े हो वैसे तो, ठीक है। बी आ रहा है राइट आंसर, चलिए देखते हैं आपका राइट आंसर कौन सा है।
A1, B2, ऑप्शन नंबर ए राइट है इसका। ये देख सकते हैं क्या आपको आंसर दिखाई दे रहा है क्या? ये राइट है। ठीक है, ये राइट है। ओके सर, सॉरी। घिया पत्थर राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? भीलवाड़ा, उदयपुर, सीकर, बालोगढ़, सांगानेर, जोधपुर, कोटा, भजपुर। कमेंट आप बड़ा बड़ा कर दीजिए इसे, ताकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन करवा सकूँ। मेरा क्वेश्चन का 70 क्वेश्चन करवाने का टारगेट है, देखते हैं कितने क्वेश्चन होते हैं। आज पढ़ाने का एक अलग मज़ा आया आज पढ़ाने का। चलिए दोस्तों, साइड की आवाज़ आ रही है कुछ। भावना जी कह रहे हैं सी आंसर है, सांगानेर व जोधपुर। चलो देखते हैं, आंसर आने दीजिए। और स्टूडेंट के इतने आराम से तो किसी पेड कोर्स के अंदर भी नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं। सर आप टीचर कैसे बने? क्यों, बनना नहीं था क्या आप टीचर? चलो आप पूछ रहे हो, उसके बाद का मैं जवाब दूंगा। पहले आंसर बताइए आप, मैं समझ गया हूँ आपकी बात। सी, भीलवाड़ा व उदयपुर आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुल्तानी मिट्टी राजस्थान में कहाँ पाई जाती है? बीकानेर व बाड़मेर, अजमेर व डूंगरपुर, जोधपुर, सांगानेर, कोटा व सिरोही। नहीं, मैंने BHTC नहीं किया, मैंने PTT किया था, और वैसे BHTC मैंने कर लिया थी पहले, दोनों डिग्री मेरे पास है। BHTC कर ली थी पहले, उसकी वैल्यू नहीं रही। मैंने फिर PTT कर ली थी। मैंने जैसे 12th पास की तब BHTC कर ली, उसके बाद मैंने PTT कर ली। ग्रेजुएशन होते मोबाइल भी चार्ज नहीं है, 20% है। अब मोबाइल, चलो 1 घंटे क्लास तो रहते हैं। अच्छा, इसका राइट आंसर है आपका बीकानेर व बाड़मेर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, रेनियम राजस्थान में कहाँ पाया जाता है? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर, जोधपुर, अलवर, भीलवाड़ा, चंदेरिया, सवाई माधोपुर, कोटा, ढींगसे, गंगानगर, नागौर, अजमेर, दौसा, बाड़मेर। दीजिए आंसर। अब मेरा मोबाइल चार्ज नहीं है, 90% हो चुका है, 10 मिनट तो हो बची है, 12 मिनट। PTT के BHTC कर सकते हैं या कोई नहीं? आप कौन सी क्लास में, ये बताइए भावना जी, आप भावना जी आप बताइए कौन सी क्लास में हो आप, ये बताइए, तब बताऊंगा मैं आपको, सजेशन दूंगा मेरी तरफ से। पर मिला कह रहे हैं सी, स्वाई माधोपुर, कोटा, डेंग, पीडीटी के साथ BHTC कर सकते हैं क्या? आप कौन सी क्लास में हो बताइए सबसे पहले भावना जी। सर आंसर नंबर सी आ रहा है, लेकिन आपका आंसर गलत है, ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सीकर। नोट कर लेना ये, बाहरी का रिजल्ट आना है, बाहरी का रिजल्ट तो आ चुका है, वैसे प्रमोट हुए, रिजल्ट वैसे नहीं है लेकिन प्रमोट हुए आप। आरती क्लास में नहीं है क्या? आज आरती जी नहीं है क्लास में, उनसे तो बात करूंगा मैं, आज क्लास में लाइव नहीं आए। और वो कहते हैं सर लाइव क्लास लगाइए, लाइव क्लास लगाइए। हाँ, 12वीं का रिजल्ट आना है, कोई नहीं, 12वीं का रिजल्ट आना है तो आप अगर PTT करोगे ना, तो थोड़ी सी आवाज़ आ रही है गाड़ी की, वो आप कर लेना एडजस्ट, थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, अब आ गया है भावना। चलो, अगर आप PTT और BHTC करना चाहते हो ना, दोनों में से आप 12th के अंदर हो, तो आप, मैं सजेशन दूंगा आपको BHTC का। लेकिन अगर आप PTT साथ में करना चाहते हो, दोनों एक साथ नहीं होगी, ये बता दूं, एक होगी, या PTT कर लो या BHTC, दोनों में से एक होगी। इसका राइट आंसर आप कह रहे हो बी, कोटा।
चलो देखते हैं इसका आंसर क्या है। जयपुर है इसका आंसर, राइट। राजस्थान सभा की औद्योगिक किस जिले में स्थापित की गई थी? जयपुर के अंदर स्थापित की गई थी, ठीक है। जिप्सम में सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? कोटा, भरतपुर, नागौर, बीकानेर। एक बार क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद 70 क्वेश्चन करवा दूँ, उसके बाद आप बात करेंगे आप आपसे, ठीक है। एक बार आप आंसर दे दीजिए फटाफट से भावना जी, लास्ट टाइम बताना, आपको पूरा सच से दूंगा आपको, ठीक है। आंसर नहीं है आपका डी, बीकानेर। बढ़िया है, बीकानेर राइट आंसर दिया है आपने, परमिला जी। चलिए, नागौर है इसका राइट आंसर, परमिला जी। जिप्सम में उत्पादन सबसे ज्यादा, नागौर है इसका आंसर। देश में नमक उत्पादन दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है? प्राइवेट कॉलेज से आप कौन सा सब्जेक्ट करना चाहोगे? प्राइवेट कॉलेज से बताइए भावना जी, पीटीटी करना चाहोगे या बीएससी से? इससे अच्छा आप एक कर लो भावना जी, मेरा सजेशन एक कर लो, फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी कहीं पर, बीएसटीसी फिर पीटीटी। आप 12th के अंदर हो, अगर आप बीएसटीसी कर ले तो 2 साल लगते हैं, अगर आप पीटीटी करते हो तो 2 साल 4 साल लगेंगे, वैसे ग्रेजुएशन भी साथ में हो जाएगी। बी, तीसरा स्थान, चलिए बहुत बढ़िया। चौथा स्थान है राजस्थान का देश के अंदर, ठीक है। आजकल लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, फिर आपसे बात करेंगे। आज लास्ट क्वेश्चन है या और करवाने, बताइए मुझे। आज 1 घंटे 52 मिनट आप रुके हुए हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने क्लास में लाइव रहना, आप देखते हैं कितने दिन तक रहते हो आप। राजस्थान में जेम्स स्टोन औद्योगिक पार्क किस जिले में स्थित है? जयपुर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर। प्रमिला जी और क्वेश्चन करवाने हैं क्या? आप पूछ रहे हो कितने क्वेश्चन और हैं? मोबाइल चार्ज नहीं है साथ में, ये प्रॉब्लम है। वैसे आपने बोला था कि आपकी मर्जी जितने करवा दो, मोबाइल चार्ज नहीं है, इससे अच्छा तो 2 घंटे के लिए लेता क्लास। प्रमिला जी कह रहे हैं सी आंसर राइट है, तो देखते हैं आपका आंसर कौन सा राइट है। जयपुर राइट आंसर है, सी नहीं है, ये आंसर राइट है, अजमेर। भावना जी कह रहे हैं अजमेर। और क्वेश्चन करवानी है या नहीं करवानी है? भी मेरा मोबाइल भी साथ में चार्ज नहीं है, 80% है, बताइए या यहीं पर समाप्त करें। वैसे दोस्तों आज बड़ी क्लास हो गई, यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको कोई भी समस्या है वो पूछ सकते हैं। परमिला जी आप कहाँ से हो बताना? हाँ भावना जी ने तो बताया था, शायद सीकर से हो। सर रीजनिंग की क्लास कब होगी? हाँ चलो, भावना जी कह रहे हैं कल करवाना, रीजनिंग की क्लास। परमिला जी पूछ रहे हैं रीजनिंग के अंदर ज़्यादा सिलेबस नहीं है वैसे तो, और वैसे आपकी क्लास करवा दूंगा कर से। चलो परमिला जी, मेरा मैंने आपका कमेंट देखा नहीं, कहाँ से हो आप बताना एक बार। सीकर से, चलो बढ़िया। परमिला जी सीकर से हो आप, बढ़िया है, आप सीकर से हो ना? भावना जी नहीं सर, मैं पाली से हूँ। चलिए पाली से हूँ। टेलीग्राम से जुड़ी हो क्या भावना? आपका मेरे पास शायद नहीं है, मैंने आपका नहीं देखा था, आईडी नहीं देखी थी टेलीग्राम पर। अगर नहीं जुड़े तो जुड़ जाना, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है आपको कमेंट कर देना वहाँ पर, ठीक है। चलिए किसी कोई समस्या है तो बताना, और रीजनिंग क्लास जल्दी स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा सिलेबस नहीं उसके अंदर, रीजनिंग के अंदर आपका जीके स्ट्रॉन्ग कर दे, रीजनिंग को मैराथन लेके कर देंगे।
कोई भी समस्या तो बताना। फरमिला जी आप ग्रुप बनाना कमेंट कर रहे हो, आपका मैंने नोट्स में लिख लिया है कि ग्रुप बनाना है, फरमिला जी ने बोला आज ही बना दूंगा। बस टेलीग्राम से जुड़े हो क्या भावना जी, आप बताना मुझे, आपने बताया था कि हाँ सर चलो जुड़े हो। भावना जी कह रहे हैं सर इंग्लिश मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में मैं कह रहा हूँ कोशिश करूँगा, लेकिन इंग्लिश मीडियम में तो आप कठिनाई होती है मुझे टाइपिंग करने में, पहले हिंदी में टाइप करूँ उसके बाद इंग्लिश में टाइपिंग करूँ, अगर ऐसा हो सकता है क्या? चलो देखता हूँ मैं टाइपिंग करने की पूरी कोशिश करूँगा, मैं खुद ही टाइपिंग करता हूँ और कोई टाइपिंग नहीं करता है। नोट्स किसके प्रोवाइड करवाना है परमिला जी बताना, नोट्स जरूर प्रोवाइड करवा दूँगा किस चीज़ के। नोट्स किस चीज़ के प्रोवाइड करवाने हैं आपको? बताइए ही सर, इंग्लिश मीडियम में कैसे होगा सर? जीके के भावना जी कह रहे हैं सर इंग्लिश मीडियम, चलो मैं कोशिश करूँगा इंग्लिश मीडियम में टाइपिंग करने की, आपकी बात समझता हूँ। चलो जीके रीजनिंग, सर आप गवर्नमेंट टीचर हो? यस गवर्नमेंट टीचर हूँ मैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ मैं। इंग्लिश ज़्यादा मेरी बेटर नहीं है, लेकिन टाइपिंग और लिख लेता हूँ इतने हैं, उतनी बोलनी वैसे नहीं आती है, मैं बता दूंगा आपको, ऐसा नहीं है कि मुझे इंग्लिश आती है, वैसे नहीं आती है मुझे, प्रॉपर इंग्लिश नहीं आती है। अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन टाइप करवाने हैं तो मैं करवा दूँगा। ठीक है, प्रमिला जी ने कहा था कि जेके के ओरिजिनल के नोट्स प्रोवाइड करवाने हैं, वो करवा दूंगा आपको, फ्री में नोट्स को प्रोवाइड करवा दूंगा सर। इतने साल हो गए गवर्नमेंट टीचर, मैं 2018 में लगा था, 2018 के अंदर। भावना जी पूछ रहे हैं कितने साल हो गए, 2018 को देख लो, सितंबर 2018 के अंदर ज्वाइनिंग मिली थी, लेट मिली थी ज्वाइनिंग तो। और पूछ रहे हैं कितने साल बनने में लगी, 3 साल मेहनत की, 2 साल वैसे मेहनत की थी वैसे मैंने। और कोई भी समस्या है बताना, फटाफट से बता दो फिर चलते हैं, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि मोबाइल भी चार्ज भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, आप बता दूँ, क्योंकि बीकानेर में प्रॉपर नहीं है मेरी ड्यूटी साइड में, इस वजह से कोई जुड़ लाइव है तो कमेंट कर दो एक बार, 30 सेकेंड वेट कर रहा हूँ मैं। चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, भावना जी परमिला जी दो स्टूडेंट थे, उन्होंने लगातार 60 मिनट तक लगातार जुड़े और नॉन स्टॉप आंसर दिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय।